मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है और इस मामले में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि अजीत जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और छानबीन समिति की नोटिस देने के अधिकार को गलत बताया था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अजीत जोगी की याचिका खारिज कर दी गई। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच ने अजीत जोगी की याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद अजीत जोगी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी। हाँ, जांच रिपोर्ट आ गई उनके खिलाफ और उस पर यहाँ इनकी पिटीशन भी चल रही है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज उनके तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जी ने खड़े होकर कहा कि मेरे खिलाफ तो जांच हो ही नहीं सकती थी, नोटिस ही गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमन्ना और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि अब रिपोर्ट आ चुकी है, अब रिपोर्ट पर जो आपको कहना है वो आप हाईकोर्ट जाके कहिए। खबर बिलासपुर से।